वो देखो गाइस वो किस तरह से रुका हुआ है और देख रहा है, वो देखो भाग रहा है। अरे रुक जा भाई थोड़ा सा रुक जा। वो देखो गाइस वो कितनी स्पीड में भाग रहा है, देखो भाग गया यार। ओह माय गॉड, वाओ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज के इस व्लॉग में मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर। मैं जा रहा हूँ। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। और बाहर आज थोड़ा भी धूप नहीं है, पूरे तरफ कुहासा ही कुहासा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। बोलो गाइस, यहाँ पर धूप नहीं है, पूरा जगह कुहासा ही कुहासा है चारों तरफ। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो गाइज यहाँ पे चारों तरफ कुहासा ही कुहासा है और ओस की बूंदे जो है यहाँ पे गिर रही है और यहाँ पे भाई काफी ज्यादा ठंड भी है। और अभी जो है मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। अच्छा हमको सिखा रहा है। और मैं निकल चुका हूँ फिर से घर से बाहर। आप लोगों को आज कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गाछी में है वो लीलगाय है। जो गाय की जंगली प्रजाति होती है उसे नीलगाय कहते हैं। तो वो जो है यहाँ पे काफी सारा भरा हुआ है, बट गाइज हमें खोजना पड़ेगा। लगता है ये पागल हो गया। और यहाँ पे आज इतना कुहासा है कि वो पता नहीं हमें दिखेगा कि नहीं। नहीं। लेकिन फिर भी हम निकल चुके हैं आपको दिखाने के लिए। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे, इस ब्लॉग में काफी मजा आएगा और मुझे तो काफी ज्यादा ठंड भी लग रहा है। आप एक बार बाहर का व्यू देखो, मतलब मैं जहां पे खड़ा हूं ना वहां से 10 मीटर के बाद कुछ दिखता ही, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ पूरा कुहासा ही कुहासा भरा हुआ है गाइस। और मेरे को यहां पे काफी ठंड लग रहा है, लेकिन मैं कोई नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। आप लोगों को कुछ दिखाना है तो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो निकल चुके हैं घर से, न कोई मंजिल है न कोई शांति है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी नया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए गाइस आप, ये पूरा कश्मीर वाला सीन यहाँ पे हो चुका है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पेड़ है जो कि पूरा वाइट है, वो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये पेड़ सूख चुका है पूरी तरह से। और ये देखो गाइस, मतलब यहाँ से जो है ना, जहाँ पे आप हो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से 10 मीटर से आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। सिर्फ दिखेगा तो वो कुहासा, पूरा चारों तरफ फॉग ही फॉग। और देखिए बारिश की बूंदे भी गिर रही है, आपको आवाज आ रहा होगा। देखिए बारिश की बूंद भी गिर रही है और अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है कहीं पे, लेकिन कोशिश जारी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले जो है ना गाइस यहीं पे आकर के रहता था, ये सबको तो अब ट्रैक्टर से जोत दिया गया है पूरा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। लेकिन आगे पूरा जंगल है। और ये देखो आप एक बार उधर, भाई मेरे तो हाथ कांप रहे ठंड से। ये पेड़ कितना पुराना है, ये देखो गाइस आप एक बार, काफी पुराना पेड़ है ये और काफी बड़ा भी, काफी विशाल है। पता नहीं अभी इस टाइम पे ठंड में हमें लीलगाय कहाँ मिलेगा। कुछ इस तरह का नजारा है आज यहाँ पे। अभी टेम्परेचर है 14 डिग्री टेम्परेचर है, अभी 14-14 डिग्री टेम्परेचर है आज का यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कश्मीर के जितना तो नहीं है लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है।
काफी लो है टेम्परेचर आज, और ठंड की तो भाई पूछो ही मत, इतना ज्यादा ठंड है कि कुल्फी जम सकती है आपकी। और ये और हम आ चुके हैं अभी इधर, नींबू की भी खेती होती है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, इधर काफ़ी सारा नींबू का पेड़ है, काफ़ी सारा पेड़ इधर से कट चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी पेड़ ही। गाइस मैं आ चुका हूँ इधर कॉर्नर पे, यहाँ के बाद थोड़ा सा घर है, उसके बाद फिर जो है वो गाछी स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक तो मुझे अभी तक नहीं दिखा है कहीं पे, मैं खोज ही रहा हूँ, लेकिन मैं अब जाता हूँ उस लाइन में। अब ये लेफ्ट साइड है, अब मैं जाता हूँ राइट साइड इस गाछी के और वहाँ पे जा करके खोजता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और हम जा रहे हैं राइट साइड, और यहाँ पे तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन हमको तो ढूंढना है उसे कैसे भी करके। इधर ही रहता है गाइस, पहले यहीं पे रहता था काफ़ी सारा, 10-15-20 जो है यहीं पे रहता था, अभी ठंड की वजह से पता नहीं वो किधर भाग गया है, कहाँ पे रहता है रात भर वो लोग। और अब बाहर का सीन देखो यार, कुछ दिख ही नहीं रहा इधर, कुछ नहीं दिख रहा है भाई। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा गड्ढा भी है, बीच बीच में एक रास्ता है, हम लोग इधर ही से जाएंगे रास्ते से। ये भी गड्ढा, इसमें भी पानी भरा हुआ था बट गाइस अभी सूख गया है, और इधर वाले गड्ढे में पानी अभी भी है। मैं अपने घर से अभी काफ़ी दूर आ चुका हूँ, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के आसपास, मैं अभी अपने घर से 2 किलोमीटर दूर हूँ और मैं पैदल आया हूँ। और ये देखिए आप, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे गिरा हुआ एक मोटा सा पेड़ जो कि इस गड्ढे में जा कर के गिरा हुआ है। और हम चलते हैं अभी इधर से आगे आगे की ओर। अरे यार पता नहीं मैं खो जाऊँ ना कहीं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं आप लोगों को दिखाते दिखाते जा रहा हूँ सीधा। किधर से आए थे रिजवान हम लोग, और रिजवान भी मेरे साथ पीछे पीछे आ रहा है, किधर से आए थे हम लोग? हम लोग तो उधर से आए थे, भुतलाएगा नहीं ना? नहीं नहीं भुतलाएगा इधर। भाई अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, और इधर कुछ लीची के बगीचे भी है बट गाइस लील गाय तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल भी है, पर फिर भी मैं जा रहा हूँ इधर से, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे है काफी घना जंगल, और मैं आ चुका हूँ अब काफी घने वाले जंगल में, जो कि यहाँ से मेन गाछी जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पे गाइस सांप वांप कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे नीलगाय के पैरों के निशान मुझे मिले, ये देखो आप, ये जो सर्कल है ना, ये उनके पैरों के निशान है, तो इधर से लगता है कि उधर गया होगा पक्का, इस गड्ढे के उस पार जो है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारा पैरों के निशान है, ये देखो आप, इधर से ये लोग क्रॉस किया है ज़रूर, और उधर भी निशान है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर भी काफ़ी सारे पैरों के निशान हैं, तो पैरों के निशान है इधर, तो इतना ही दूर के आसपास में होगा वो 1 किलोमीटर के रेंज में, जो कि मैं जा रहा हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। और इधर फिर आ गया भाई जंगल, आज काफ़ी स्नो भी हो रखा है ना इधर, काफ़ी ज़्यादा कुहासा है ना, इसीलिए दिख भी नहीं रहा है, एकदम पास जाऊंगा बिल्कुल तभी दिखेगा मुझे। और मैं चलता हूँ इधर से अब आगे, ये देखो इधर जंगल का गाछी। अरे क्या है रे आगे, आगे है क्या? उधर से गाइस अभी एकदम अचानक से आवाज़ आया खर खर का, मैं तो डर भी गया। तो गाइस अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे 3 या 4 किलोमीटर में घूम चुका हूँ इधर, और अभी तक मुझे लीलगाय दिखा नहीं, तो पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैं आ चुका हूँ अभी दूसरी रास्ते में,
और इस रास्ते से हमारा घर है यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे। तो भाई काफ़ी दूर आ चुका यार खोजते खोजते, अप्रॉक्स अभी बज गए 8:30। एक घंटे से मैं घूम रहा हूँ इधर, अभी 8:30 बज चुके हैं सुबह के, और यहाँ पे धूप अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हो हल्का मौसम लेकिन साफ हुआ है। मैं एक घंटे पहले देखा था तो थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा था, बट अभी काफ़ी उजाला हो चुका है। तो भाई मेरे तो पैर भी लड़खड़ा रहे हैं यार, घर पे जाकर के आग जलाना पड़ेगा तभी कुछ होगा मेरा। लेकिन मैं चलता हूँ, थोड़ा सा तो मुझे और खोजना ही पड़ेगा। ओ गाइस, यहाँ से भी जाते इसके पैर के काफ़ी सारे निशान हैं इधर, लेकिन अभी इस वक्त ओ गाइस मुझे दिख गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आपको दिखा थोड़ा थोड़ा वो भाग रहा है। वो देखो गाइस भाग रहा है। मैं पास जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। वो गाइस वहाँ पे है, आगे में लीलगा है, और मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट गाइस वो देखते ही भागने लगता है। और आज इतना ज़्यादा कुहासा भी है ना कि क्लीन दिख भी नहीं पा रहा होगा आप लोगों को। गाइस वो भाग भी रहा है यार, काफ़ी तेज़ भागता है। मैं उसके पीछे कहाँ तक भागूँगा, लेकिन मैं तभी भी आपको दिखाऊँगा। देखो वो दिख रहा है गाइस, वो जा रहा है। नहीं काफ़ी दूर है मुझसे, लेकिन मैं चलता हूँ उसके पास और आपको दिखाता हूँ। भाई एक घंटे से घूम रहा हूँ तब जाके दिखा। वो देखो गाइस, देखो दिखा आपको, मतलब देखते ही इतना स्पीड में भागता है ना, अच्छा से दिख नहीं पा रहा आज, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओस है, कुहासा है इसीलिए, नहीं तो पूरा क्लीन दिखता गाइस। और मैं जिधर से आया हूँ अभी ये लोग उधर ही भाग रहे हैं। वो देखो गाइस, वो देखो वहाँ पे चार वो देखो भाग रहे हैं, वो देखो चार ले गए हैं वहाँ पे। मैं उसके पास जाने की मैं कोशिश करता हूँ, बट गाइस वो भाग जाता है। वो देखो गाइस वो किस तरह से रुका हुआ है और देख रहा है, वो देखो भाग रहा है। अरे रुक जा भाई, थोड़ा सा रुक जा। वो देखो गाइस वो कितनी स्पीड में भाग रहा है, देखो भाग गया यार। उस बांस के पेड़ के बगल में है गाइस, देखो मैं जैसे ही जाता हूँ वो भागता है। वो देखो मैं दौड़ के जाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो गाइस जिस गड्ढे में मैं बोला ना वो लोग जाता है पानी पीने के लिए, बट वहीं पे है गाइस। वो देखो चार अरे रुक जा भाई रुक जा, पब्लिक इंतज़ार कर रहे हैं तुझे देखने के लिए। भाई मैं कितनी दूर आ गया मुझे खुद भी नहीं पता, इसका वीडियो लेने के चक्कर में मैं काफ़ी दूर आ गया यार भागते भागते। बट गाइस वो तो भाग चुका है अब काफ़ी दूर, अब वो दिखेगा नहीं। और इधर देखो आप किस तरह का पेड़ है पूरा। तो गाइस मैं खड़ा हूँ अभी इन जंगलों के बीच, और लीलगाय तो मैंने दिखाया, अच्छा से दिखा कि नहीं आपको, अगर अच्छे से नहीं दिखा तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का मौसम ही वैसा है गाइस कि मैं जूम करके दिखाने की कोशिश तो कर रहा था, बट गाइस कुहासा होने की वजह से आप लोगों को पूरा क्लीन नहीं दिख पाया होगा। बट कोई नहीं गाइस, हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे और आप लोगों के लिए ज़रूर इस एक वीडियो बना करके और डालेंगे। तो चलते हैं भाई, मेरे तो हाथ वाथ पूरा अकड़ चुके हैं एकदम ठंड से दौड़ते दौड़ते, और यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी हो रही है। अभी सूरज निकला नहीं है लेकिन हल्का सा मौसम साफ हो गया है, लेकिन ठंड बहुत है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा। रिजवान वो देखो, रिजवान वहाँ पे, जल्दी आओ। रिजवान भी मेरे साथ ही आता है, ये बोला कि मैं बोला इसे ठंड में कि मत जा तू, तो ये बोला कि नहीं हम भी चलेंगे, तो हम बोले ठीक है चलो। तो रिजवान आओ जल्दी आओ, सबको हेलो कर दो एक बार। हेलो। तो ये हेलो कर दिया आप लोगों को, और मैं तो पहले ही कर चुका हूँ। तो चलते हैं अब घर, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 9 बजने वाला है, और मुझे भी जाने में अप्रॉक्स आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मैं अपने घर से अभी अप्रॉक्स 2 या 2.5 किलोमीटर दूर हूँ।
और मैं वहां तक चला गया था, 1 किलोमीटर तो मैं और भाग करके आया हूँ लीलगाय का पिक्चर लेने के लिए। गाइज उतना तो आप लोगों के लिए करना पड़ेगा, ठंड में दौड़ रहा हूँ मैं। लाइक कर दो यार, सपोर्ट करो। चलते हैं घर, वहाँ पे आग जलाएंगे और उसके बाद हाथ वाथ सेकेंगे। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। चलते चलते अगर इस व्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं बनाऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और अगर समस्तीपुर ज़िले से आप लोग देख रहे हो तो सपोर्ट करो यार, अगर अदर स्टेट से देख रहे हो तो सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।